हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं हूँ सिवान जंक्शन। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा, पटना से सिवान जंक्शन को मैंने कवर किया था। और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है जो कि सिवान से हाजीपुर को जाएगी। आज का जो जर्नी होने वाला है वो सिवान जंक्शन से हाजीपुर जंक्शन होने वाला है। तो बने रहे इस ब्लॉग के साथ, मिलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पर। तो चलो, यही वो ट्रेन है जो कि छूट गई। खैर, बहुत स्पीड चल रही थी इसलिए मैं पकड़ नहीं पाया। तो अभी मैं सिवान जंक्शन पे, अभी बस 1 मिनट पहले वो गाड़ी चली गई जिससे हम लोग हाजीपुर जाने वाले थे। तो अभी फिर से वेट करना पड़ेगा क्योंकि सुबह भी ऐसे ही एक ट्रेन मिस हो गई थी और अभी भी एक ट्रेन मिस हो गई। सुबह जब सिवान आ रहा था तो एक ट्रेन मिस हो गई थी और अभी जब सिवान से वापस हाजीपुर जा रहा हूँ तो भी वो ट्रेन मिस हो गई। दिन भर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मगर अभी तक कोई ट्रेन आई नहीं है। एक जो ट्रेन थी वो मिस हो चुकी है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी इतना थक चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। ये देखो, ऊपर से ये पंखा भी साथ नहीं दे रहा, इसे भी लग रहा है जैसे बीमारी हो चुकी है। बहुत ही स्लो स्लो चल रहा है और चल भी रहा है तो कुछ हवा दे नहीं रहा। कष्ट वाली ज़िंदगी है ब्लॉगिंग करना। मुझे लगा था कि ये बहुत ही आसान फील्ड है मगर ये आसान नहीं है। आज दिन भर जब मैं घर से बाहर रहा और ब्लॉग किया तब मुझे पता चला ये कितना कठिन जॉब है, कितना कठिन काम है। पर कोई नहीं, अब इस फील्ड में आ गए हैं तो इस चीज़ को अच्छे से पूरा करेंगे और आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हमेशा लाइक करें। प्लेटफॉर्म का काउंटर पे गया और उनसे पानी मांगा, उन्होंने लोकल पानी दिया और लोकल पानी का चार्ज है 20 रुपये। तो उन्होंने उनसे मैंने बोला कि रेलनीर दो, तो उनके पास रेलनीर नहीं था। वो बोलते हैं कि रेलनीर नहीं है, वो बोले कि रेलनीर है ही नहीं। हम बोले कि रेलनीर दो, वो दिख रहा है तो तब वो दिए। फिर इसका चार्ज मैंने पूछा कि इसका क्या चार्ज है, तो उन्होंने बोला 15 रुपये। तो लोकल पानी का चार्ज 20 रुपये और रेल नेट जो कि हायर सिटी से अप्रूव है ये है 15 रुपये। और ऊपर से ये जेन्युइन पानी भी है, अप्रूव पानी है, ये बहुत ही अच्छा पानी है। तो आपसे भी यही कहता हूँ कि कभी भी आप लोकल पानी मत खरीदें क्योंकि वो बाहर से किए जाते हैं, मतलब जो बोतल वगैरह चुनकर उसमें ही पानी भर के बेचा जाता है। लोकल पानी बिल्कुल ना खरीदें, हमेशा IRCTC से अप्रूव पानी रेल नीड ही लें जो कि आपको हर जगह प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी। चाहे आप भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, स्टेशन पे आप हो, आपको हर जगह रेल नीड मिल जाएगी। तो रेल नीड ही खरीदें। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी तो कोई ट्रेन आई नहीं है, फिलहाल इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारी ट्रेनें आ रही है मगर कोई भी मेरे जहाँ हमें जाना है वो ट्रेन कोई आ ही नहीं रही है। तो अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब आता है। ये है हमारी ट्रेन जो कि अभी गौड़ी बाज़ार में है। ये 12522 बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस है जो कि देवरिया भटनी जंक्शन होते हुए सिवान जंक्शन को आएगी 6:14 पे। यानी कि अभी भी लगभग 1.25 घंटा बाकी है। उसके बाद सिवान को रास्ते छपरा सोनपुर और उसके बाद हाजीपुर जाएगी 8:42 पे। कितना वेट करवाएगा मेरे भाई, ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। अभी भी आधा घंटा डिले चल रही है, पता नहीं आज मेरा किस्मत कैसा है। सुबह से ही ट्रेन कभी मिस हो रही है, कभी लेट हो रही है और अभी फिर से ट्रेन मिस हो गई। और अभी जिस ट्रेन से अभी जाने वाले थे वो ट्रेन भी अभी आधा घंटा लेट चल रही है। तो फिलहाल मैं ये स्टेशन पे ही हूँ, आप देख सकते हो, और अभी बैठा हूँ, फिर इंतज़ार करता हूँ, देखता हूँ कब आता है। अराइवल आपको दिखाऊंगा ट्रेन का, तो बने रहे इस ब्लॉग के साथ। गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस जो कि अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग रही है। ये देखिए, यही जाएगी हमें, यही ट्रेन है जो सिवान से हाजीपुर ट्रेवल करेंगे। इसे
तो जनरल कोच आगे था चला जाऊंगा चलते हैं ट्रेन के अंदर फिर आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। ये तो सुपरमैन निकले देवान से डिपार्ट कर गया भाई। कुछ ये नजारा है बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस का, पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा है। ये देखिए ये जनरल डिपो का हाल है, डस्टबिन वहां फेंका हुआ है, ये किसी काम का है नहीं, और फर्श इतना गंदा इतना गंदा, इसको ठीक नहीं कर रहे हो। ये हाल है जनरल डिपो का, काफी सागर का है, आपको मैंने नजारा दिखाया। तो ये हाल है उसका ट्रेन का। अरे कहाँ रोक दिया है, अरे भाई सब फाइनली छपरा पहुंच चुके हैं। ये हमारे सामने लखनऊ छपरा फरुखाबाद एक्सप्रेस, और ये रहा छपरा जंक्शन का नजारा। यार लाइट ही कमी है भाई। तो गाइस फाइनली हम छपरा जंक्शन पहुंच चुके हैं, और ये ऑन द टाइम पहुंचा, ये इसकी एक खासियत बात है। और ये जो ट्रेन है वह एर्नाकुलम से चल के कोयम्बटूर के रास्ते बरौनी को जाती है, और ये रही हमारे सामने ट्रेन, मैं इसी ट्रेन की बात कर रहा हूँ। और ये ऑन द टाइम 7:15 पे छपरा जंक्शन पहुंचा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं सोनपुर, अभी टाइम हो रहा है 8:20, और ये हमारी ट्रेन सामने खड़ी है। और यहाँ सोनपुर से जैसे ही खुलेगी फिर हम पहुँचेंगे हाजीपुर, और हाजीपुर से फिर आप जानते ही हो पटना घर को जाएंगे। तो अभी चलते हैं इस ट्रेन के साथ, काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है।
तो ये लो भाई आ गए हम हाजीपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन जिसका मुझे बेसब्री का इंतजार था। तो अभी हम लोग आ गए हाजीपुर जंक्शन, ये देखिए बरौनी एर्नाकुलम इसी गाड़ी से हम लोग आए थे और अब इधर से हम लोग जा रहे हैं अपने घर यानी पटना की ओर। तो अभी चलते हैं भाई, आ जाओ इधर। तो अभी हम लोग चलते हैं, क्या हो गया, एक का हालत खराब हो गया। अभी हम लोग चलते हैं पटना की ओर, बहुत रात हो गया, कभी 8:40 हो गया, बहुत रात हो गई। ये पटना जाते जाते एक घंटा लग जाएगा। तो अभी हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं, चलता हूं क्योंकि इस कैमरे की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो शायद आगे ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो इसलिए मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।